ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हरियाणा में तबादलों का सिलसिला कुछ इस तरह है कि हम चर्चा भी कर रहे हैं तो चर्चा के बीच में भी तबादले हो रहे हैं। 6 और तबादले यहाँ पर आईएएस अफसरों के कर दिए गए हैं। पंकज पुनिया साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आपने सुना प्रवीण अत्रे ने क्या कुछ कहा, राजीव जेटली जो कुछ कह रहे हैं कि पिछली सरकार में तबादलों का क्राइटेरिया कुछ और था। मैं राजीव जी की एक बात, जो ये विपक्ष पे आरोप लगा रहे हैं, इनको बताना चाहूंगा कि अब आप सरकार में आप आरोप लगाने का काम बंद करें और हरियाणा में आप कुछ ना कुछ करके दिखाएं। जो कि हरियाणा की जनता की आपसे उम्मीदें थी उसका आपको हिस्सा मिल चुका है, अब आप काम करके दिखाएं। और जो आपके तबादलों का पीछे का खेल है वो पूरे हरियाणा की जनता उस खेल को समझ रही है। आपके इस खेल को बंद करके आप अधिकारी को काम करने का मौका दें। और जो आपका ये खेल है कि जो अधिकारी आपके जिलों में अधिकारी हैं, आपके जो टेलीफोन की आप बात कर रहे थे कि विपक्ष आरोप लगाता कि टेलीफोन नहीं उठाते साहब इसलिए बदल दिए गए, जबकि वो आपका खेल ये है कि वो आपके जो नाजायज काम है उसके लिए वो तैयार नहीं होते और आपके जो मंत्री और विधायक उसे नाराज होकर उनके तबादलों के लिए मुख्यमंत्री जी के पास पास से लेके जाते हैं और तब उनके आए दिन आप तबादले कर रहे हो। तो आप इसके पीछे का खेल बंद करके आप साफ नीयत के साथ में उनको अधिकारी को काम करने दे ताकि हरियाणा दोबारा से विकास की राह पर चल सके। चलिए ठीक है, जवाब ले लेते हैं राजीव जी। देखिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हो सकता है कि शब्द ऊपर से नीचे कर दिए गए और नीचे से ऊपर कर दिए गए हों। जायज और नाजायज किसे कहते हैं वो परिभाषा शायद दोबारा से हमें समझनी होगी। हम एक बात कहते हैं कि हम हरियाणा प्रदेश के अंदर जो हरियाणा प्रदेश के लोगों की ज़रूरत है उसे, उन योजनाओं को ईमानदारी से ज़मीन पर लाना चाहते हैं और यहाँ के अधिकारी बहुत सक्षम है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि उनकी कहीं क्रेडिबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाया जा सकता है, अधिकारी सक्षम है। हाँ, बहुत, मैं आपको यही बता रहा हूँ, बहुत लंबे वक्त से जिस परंपराओं में वो रहे हैं उस परंपराओं में से निकलने में थोड़ा वक्त जरूर लग रहा होगा, ये मैं जरूर कह सकता हूँ, क्योंकि अभी तक अकाउंटेबिलिटी जनता के प्रति नहीं होती थी। अकाउंटेबिलिटी उस परिवार, उस पार्टी के प्रति होती थी या उन लोगों के प्रति होती थी जिनकी वजहों से कई बार उनकी अपॉइंटमेंट होती थी। चलिए जवाब ले, बात यहाँ पर ही आती है, नहीं, लेकिन कि हम डिलीवरी राजीव जी, लेकिन एक बात बताइए ना, उस अफसर का भरोसा सरकार पर कैसे कायम होगा जब इतनी तेज गति से तबादले होंगे। अगर आप कह रहे हैं कि ये एक ऐसी प्रक्रिया है कि जिससे काम और निखर कर सामने आ रहा है, वो अफसर जाता है कहीं काम समझता है उसकी शुरुआत करता है उसका तबादला हो जाता है, 36 बार तबादले हो चुके हैं 23 महीने की सरकार में, तो आपको लग रहा है कि सरकार और अफसरों के बीच में जिस तरह का सहयोग या फिर विश्वास होना चाहिए वो कायम हो पाएगा? बिल्कुल, विश्वास कायम है और विश्वास हमें ऑफिसर्स के ऊपर भी और ऑफिसर्स को सरकार के ऊपर भी है। बात यहां पर ये आती है कि जैसे आपने कहा कि अफसर जब तक काम समझेगा, इस हरियाणा प्रदेश में ऐसे ऑफिसर नहीं है जिन्हें काम समझने की जरूरत पड़ती है। हर ऑफिसर किसी ना किसी विभाग में रहा ही होता है, लेकिन जब बात डिलीवरी की आती है, जो परफेक्शन हमें चाहिए, अगर वो परफेक्शन हमें नहीं मिलती, अगर हम कोई निजी फायदा उनसे ले रहे होते तो हो सकता है कि परफेक्शन ना भी होती, जनता को डिलीवर ना भी हो रहा होता, तब भी हम उनको कंटिन्यू कर लेते, उनके साथ कैरी ऑन कर जाते। लेकिन हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो केवल जनता के प्रति डिलीवरी है, हमें अपनी अपने प्रति हमारा कोई, चलिए ठीक है राजीव जी, प्रवीण अत्रे जी ये बताइए इसमें, अगर अगर सरकार कह रही है कि परफेक्शन के लिए, सरकार कह रही है अगर परफेक्शन के लिए वो ये कदम उठा रही है तो उसमें गलत क्या है? देखिए शरद, गलत क्या है ये, मैं जो मैंने पहले बात लाइन बोली थी, करनी और कथनी में फर्क। अगर आप परफेक्शन की बात करते हैं और एक साल में 5 ACS आप बदल देते हैं, तो आप कहना ये चाहते हैं कि वो 5ों ACS परफेक्शन नहीं दे पा रहे थे, मतलब आप लगातार 5 अफसरों को बदलते हैं, एक भी अफसर आपको ऐसा नहीं मिलता जो परफेक्शन दे सके। लेकिन सच्चाई इससे अलग है। आज जो अफसर हैं उनमें अविश्वास का भाव घर कर चुका है। शरद, सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, देखिए जब भी ब्यूरोक्रेसी, चाहे आईएएस की बात करें या हम एससीएस की बात करें, जब वो सर्विस में आते हैं वो एक शपथ पत्र देते हैं, जिस शपथ पत्र में बाकायदा वो लिखते हैं कि आई अबाइड विद द कॉन्स्टिट्यूशन, कि मैं संविधान के अनुरूप काम करूंगा। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के लोग उनसे ऐसे काम करवाने की बात करते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से या गैर कानूनी है, तो वो नाराज होते हैं और उसका नतीजा निकलता है उनकी ट्रांसफर से। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है, आप कहते हैं कि साहब जनता की जो उम्मीदें, इन्होंने एक बात बोली कि प्रदेश के लोगों की जरूरत, साहब आप प्रदेश के लोगों की जरूरत को तो समझ ही नहीं पाए। प्रदेश के लोगों की जरूरत वो थी जो आपने चुनाव के दौरान वायदे किए थे, जो आपको पूरा करना चाहिए था, लेकिन बजाय आप उन चीजों को पूरा करने के प्रदेश की
जनता को डिलीवरी देने के आपके नेता, आपके मंत्रीगण, आपके मुख्यमंत्री जी आपस की खींचतान का नतीजा आ रहा है अफसरों की ट्रांसफर, और उसका खामियाजा कौन भुगत रहा है? प्रदेश की जनता। प्रदेश की जनता आज परेशान है क्योंकि प्रदेश की जनता को आज काम के नाम पर कुछ मिल ही नहीं रहा। चलिए कुल मिलाकर बात आप ये कहना चाह रहे हैं कि अनुभव को लेकर आप सवाल उठा रहे हैं, खींचतान है, अनुभव है, ठीक है। राजीव जी रखे बात शॉर्ट में जी। एक शॉर्ट में जवाब देता हूं। कई बार बोलते बोलते भूल जाते होंगे कि मैं वो बोल गया जो हमें नहीं बोलना चाहिए था। संविधान में और नेतृत्व में और राजनीति में जब भी कोई आता है वो शपथ लेता है कि मैं ईमानदारी से कार्य करूंगा। ये अधिकारियों के ऊपर अप्लाई नहीं होता, ये राजनेताओं पर भी अप्लाई होता है। और मुझे हैरानी होती है, कम से कम मैं इनसे ये अपेक्षा नहीं करता था कि ये वाली बात करेंगे। मैं एक बात कहूंगा, बिल्कुल आपने कहा नेताओं पे भी लागू होता है, और उसका नतीजा क्या निकला? उसका नतीजा निकला गुजरात के एक आईएएस ऑफिसर एक हलफनामा दे देते हैं सुप्रीम कोर्ट में, और किसके खिलाफ हलफनामा देते हैं? सुन लीजिए, आपके जो मुख्यमंत्री थे जो आज के हमारे मोदी जी के खिलाफ भटक जाएंगे, मैं माफी चाहता हूं मोदी जी कारगुजारियों को महिलाओं की विषय से भटक जाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, हमें पंकज जी के पास भी जाना है। और जानना ये है कि इन तबादलों के बाद अगर सरकार ये कहती है कि ये जनहित में लिए गए हैं तो फिर विपक्ष उन पर सवाल उठाता है, वही विपक्ष जब सरकार में आ जाता है तो फिर भी वही सरकार वाली बात बोलता है, तो इसमें नया क्या है? छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होंगे।